दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीपी रेटिंग में जो हम लोग एडमिशन लेते हैं तो उसमें हम लोग का प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का कमेंट था प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कि भाई हमको एडमिशन लेना है, हमको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर यही बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। मर्चेंट नेवी का कोर्स करते हैं, जैसे बोलते हैं जीपी रेटिंग कोर्स, ठीक है, जनरल पर्पस रेटिंग। जनरल पर्पस रेटिंग में जब हम कोर्स करते हैं तो उसकी फी मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन कमेंट इतना आता है कि मेरे को वीडियो बनाना ही पड़ता है। उसकी फी कॉलेज पर डिपेंड करती है। वैसे अगर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 लाख या 2,20,000 रुपये है तो आप जीपी रेटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तीन कॉलेज हैं जो जीपी रेटिंग के लड़कों को प्लेसमेंट देते हैं, वो भी पूरा प्लेसमेंट नहीं, ठीक है, मैंने उसमें कुछ हद तक चांस है कि अगर उस इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका प्लेसमेंट हो जाता है। वो तीन कॉलेज कौन कौन से हैं? पहला TS रहमान है, उसके बाद दूसरा नूसी मैरीटाइम एकेडमी है और तीसरा उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी है। अगर इसमें अगर आपका एडमिशन हो गया तो उसमें कुछ हद तक चांस है कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं करना पड़ता है पे, उसी में जितना कॉलेज का फी है उसी में आपका प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन अब बहुत सारे लड़के ये भी बोलते हैं कि सर दूसरे कॉलेज भी बोल रहे हैं कि हम प्लेसमेंट देंगे, ठीक है, वो सही बात है कि वो बोल रहे हैं आपको प्लेसमेंट देंगे, प्लेसमेंट हर एक कॉलेज आपको दे देगा, लेकिन प्लेसमेंट देने के बाद आप पूछिए कि आप प्लेसमेंट किस बेसिस पर आप मेरे को देखो। वो प्लेसमेंट इस बेसिस पर आपको देगा क्योंकि जो आपने 2 लाख रुपया कोर्स का फी जमा कर दिया है, 6 मंथ का जीपी रेटिंग आप कंप्लीट कर लेंगे, जब प्लेसमेंट के लिए बात आएगी तो बोलेगा ठीक है प्लेसमेंट का तुमको अलग से पैसा देना पड़ेगा। जी, आपने सही सुना, TS रहमान, नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी और द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडी, ये चार कॉलेज हैं जिसमें आपका एडमिशन होता है तो कुछ हद तक उसी पैसा में आपका प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो वो आपको प्लेसमेंट करा देगा, प्लेसमेंट कराने का फ़ी अलग से लगता है। अब लड़के ये भी बोलते हैं कि सर कितना फ़ी लगेगा, देखिए फिर मैं कहूँगा कि वो सीट पर डिपेंड करता है और कंपनी पर डिपेंड करता है। जैसे आप ITF कंपनी में जाएंगे, RPSL कंपनी में जाएंगे, सब अगर इसमें जाएंगे तो ये डिपेंड करता है। अगर आप सप्लाई बेसल पर जाते हैं तो 1 लाख रुपये चार्ज पड़ता है अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ। टैंकर वगैरह पर जाते हैं तो 3.5 लाख रुपये चार्ज पड़ता है और उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है, कम भी पड़ सकता है। कंटेनर वगैरह पर जाते हैं तो 2 लाख 2.5 लाख पड़ता है, बल्क करियर पर जाते हैं तो 3 लाख पड़ता है, 2.5 लाख पड़ता है, जनरल कार्गोशिप पर जाते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख पड़ता है। तो इस तरह आपको कॉलेज के फ़ी के अलावा प्लेसमेंट का अलग से चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप TS रहमान में ट्राई कीजिए, नूसी में ट्राई कीजिए, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी गोवा में ट्राई कीजिए और द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडी में भी ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर उसमें आपका हो गया तो कुछ हद तक, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100 में 100 प्लेसमेंट हो जाएगा, कुछ हद तक कंपनी उसमें आती है आपको प्लेसमेंट देने के लिए, आपको इंटरव्यू देकर आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर हो जाता है तो आपका प्लेसमेंट हो जाता है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन अगर अदरवाइज अगर इस कॉलेज में नहीं होता है, दूसरा कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेसमेंट का अलग से पैसा देना पड़ता है। मैं खुद बता दूँ, मेरा कॉलेज का नाम है था मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका कोलकाता में पड़ता है, जिसको पूरा नाम स्पॉट नाम मैट्री है, ठीक है। तो मैट्री का फ़ी 1,80,000 रुपये है, लेकिन प्लेसमेंट वहाँ पर आपको नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो वहाँ के डायरेक्टर हैं, उनसे आपको बात करना पड़ेगा, वो आपको पैसा चार्ज करके आपको प्लेसमेंट दिला देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम है, ठीक है, सब इंस्टीट्यूट का ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है, मैंने चार्ज बोला उसको। तो आप जिस कॉलेज में फ़ोन कर रहे हैं उसको कॉलेज में फ़ोन कर लीजिए और करके बोल दीजिए कि ऐसे ऐसे बात है, आप मेरे को प्लेसमेंट दोगे, तो बोलेगा कि हाँ प्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन वो तो कॉलेज का फ़ी है, प्लेसमेंट का अलग से लगेगा, ऐसा ही सब फंडा है। तो अब सब लड़कों को समझ में आ गया होगा कि जीपी रेटिंग करने से प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आपको TS रहमान, नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी, द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडी में होता है तो आपका उतना ही फ़ी में हो जाएगा, नहीं तो आप समझिए कि आपको 4-5 लाख रुपये लेकर जीपी रेटिंग में प्लेसमेंट के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जीपी रेटिंग करने के बाद आपको प्लेसमेंट तो मिलने की चांस बहुत ही कम है, आपको बहुत भटकना पड़ेगा, एजेंट को पकड़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह, पैसा बचेगा कि नहीं। तो आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं उसी इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं।
तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।